हेलो फ्रेंड्स, हैरिस किचन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे किचन में बनने वाली है बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, जो टेस्ट के साथ बनाने में भी बहुत ही इजी है। तो ये घर पे फटाफट और जल्दी बन जाती है, तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो बाइट्स की रेसिपी। इसके लिए मुझे एक पोटैटो चाहिए। पोटैटो को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और आप देख सकते हैं कि इसके मैंने पील भी उतार लिए हैं। अब इसको हमें ग्रेटर की मदद से एकदम बारीक सा ग्रेट कर लेना है। मैंने दो पोटैटो का यूज़ किया है। आपको भी अगर चाहे तो इसमें एक पोटैटो और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट लगभग ये दो आप पोटैटो लेंगे तो इतना तो इनफ है इसमें। ये मैंने सारे पोटैटो को मैंने ग्रेट कर डाला है। अब इसको हमें साइड पे रख देना है और आगे की प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। इधर मैंने एक पैन में एक टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक पेस्ट। पोटैटो के साथ गार्लिक की पेस्ट का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है और इसका फ्लेवर भी बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप उसकी जगह पर रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत बढ़िया जाता है। और ये सॉटे हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी को हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम जो चावल के आटे का यूज़ करने वाले हैं उसमें पानी तो जाएगा ही। ये इसमें एक उबाल आ चुका है। एक उबाल आने के बाद हमें चावल के आटे को इसमें डाल देना है और बराबर से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। इसमें एक भी गुठली ना रहे उस बात का हमें ध्यान रखना है और गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है, क्योंकि आप फास्ट गैस पे ये नहीं कर सकते हैं, नहीं तो जल जाएगा। इसलिए स्लो गैस पे ही हमें इसे पकाना है। लगभग 2 या 3 सेकंड में तो सब कुछ जो चावल का आटा हमने डाला है वो सब कुछ पानी ऑब्जर्व कर लेगा। अब ये हो चुका है तो अब इसे हम अलग बाउल में निकाल देते हैं। बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। इसे थोड़ी देर के लिए हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। मेरा बैटर लगभग ठंडा हो चुका है, इसलिए मैं अब इसी स्टेज पर मैं डाल रही हूँ पोटैटो जो हमने ग्रेट किए हुए थे। वो पोटैटो को हमें इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं। तो इसमें मैंने नमक को मैंने पहले नहीं डाला था तो मैं अब डाल रही हूँ नमक को। और साथ में मैं इसमें बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने सारे इंग्रेडिएंट कितने कितने लिए हुए हैं वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लिया है, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब इसे हमें हल्के हल्के हाथों से घूट लेना है। जिस प्रकार हम आटे को घूटते हैं उसी प्रकार मैंने इसे घूट लिया है। हमें बराबर से एक भी लम्स नहीं रहे, इसी तरीके से हमें इसे घूटना है। और थोड़ा सा हमें कोई बेलन की मदद से भी आप इसे बेल सकते हैं। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट को मैंने वहाँ पे ही रख दिया है और 2 पार्ट को मैंने साइड पे रख दिया है। मैंने अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो भी हमारा जो आटा है वो मेरे हाथों पे चिपके नहीं। अब इसको हमें रोलिंग की मदद से पतला रोल कर देना है। अब मैं चाकू की सहायता से मैं इसमें कट लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कट लगा सकते हैं, छोटे बड़े आपको जितने भी कंफर्टेबल हो तो आप उसी प्रकार कट लगा सकते हैं। मैंने इधर थोड़े से छोटे ही कट लगाए हैं और इसको मैं स्क्वायर शेप देने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो नॉर्मल सर्कल भी बना सकते हैं। मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब सारे पोटैटो बाइट्स मेरे रेडी हो गए हैं तो अब इसको हम फ्राई करने वाले हैं। फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही मैंने ऑयल को गैस पे रख दिया था। हमें ऑयल बहुत ही मतलब कि इसमें से धुआं धुआं निकलता हो वैसा ऑयल नहीं चाहिए, थोड़ा सा हल्का गर्म ही ऑयल चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैं ऑयल के अंदर डाल रही हूँ तो ये बिल्कुल भी खोलता हुआ ऑयल नहीं है, ये थोड़ा सा ही हल्का हुआ। हमें गैस का फ्लेम
मीडियम ही रखना है, बहुत हाई स्पीड पे हमें इसे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये पक तो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। ये मेरे पोटैटो बाइट्स गोल्डन कलर के कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये बनके रेडी हो गए हैं। तो मैं अभी इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। ये सारे पोटैटो बाइट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर और कितना अच्छा टेस्ट भी इसका है। मैं इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व करती हूँ। अगर आपके बच्चे टोमेटो केचप की जगह पर थोड़ा स्पाइसीनेस, मतलब के जो शिजवान चटनी आती है उसके साथ भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। आप देख सकते हैं कि अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत बाहर से बहुत क्रिस्पी बने हुए हैं पोटैटो बाइट्स। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, गुड बाय।